पटना में जन्मे और मुंबई में समाज सेवा और राजनीति करने वाले कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं रहे। बाबा सिद्दीकी अपनी आलिशान जीवन शैली और सितारों से सजी हाई क्लास पार्टियों के लिए जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी तो अब नहीं रहे, लेकिन अब उनके पीछे करोड़ों की संपत्ति छूट गई है। लग्जरी लाइफ जीने वाले बाबा सिद्दीकी की नेटवर्थ कितनी है, बैंकों में कितना पैसा डिपॉजिट है, शेयरों में कितना किया है निवेश, इसके अलावा कितनी लग्जरी कार और ज्वेलरी के मालिक थे बाबा सिद्दीकी, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बाबा सिद्दीकी का जन्म पटना में हुआ था और मुंबई में राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक उनका जलवा देखने को मिलता था। उनकी इफ्तार पार्टियों में फिल्मी जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। लग्जरी लाइफ जीने वाले बाबा सिद्दीकी की नेटवर्थ की बात करें तो उनके द्वारा साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक उनकी जो कुल संपत्ति है वो 76 करोड़ रुपए के आसपास थी। हालांकि माना जाता है कि उनके पास इससे कहीं ज्यादा की संपत्ति। ऐसा जानने की वजह यह भी हो सकती है कि साल 2018 में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनसे जुड़े सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स के 33 लग्जरी फ्लैट जब्त किए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 462 करोड़ रुपए बताई। अब उनकी नेटवर्थ को और आसान भाषा में टिकआउट करने की कोशिश करते हैं। अगर बात चुनाव आयोग में समित चुनावी हलफनामे की करें तो इसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 76.25 करोड़ रुपए बताई, जबकि 23.59 करोड़ रुपए का कर्ज होने की भी जानकारी। उनके और पत्नी और बच्चों में तमाम बैंक अकाउंट्स में जमा करीब 3 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि बाबा सिद्दीकी और उनकी पत्नी सहजीन सिद्दीकी द्वारा उस समय शेयरों में 45 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। इसके अलावा उनके नाम पर 72 लाख रुपए की LIC पॉलिसी भी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिवंगत बाबा सिद्दीकी ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति से जुड़ी जो जानकारियां दी थी उससे उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया था कि उनके पास पत्नी और बेटी समेत करीब 6 करोड़ रुपए के सोने चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी। वहीं कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें 2 मर्सिडीज-बेंज कार शामिल, जिनकी कुल कीमत अगर हम मैं कहूं आपको तो 1.15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हलफनामे के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के नाम पर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक कमर्शियल बिल्डिंग जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 मकान भी उनके नाम पर थे जिनकी कुल कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई थी। वहीं पत्नी के नाम पर 1.91 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग और 13.73 करोड़ की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज दर्ज है। इतनी प्रॉपर्टी उनकी उनके परिवार वालों के नाम पर दर्ज है। अब जाते जाते इनके राजनीतिक सफर की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम और बॉलीवुड से गहरा कनेक्शन रखने वाले बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे 66 वर्ष के थे और लग्जरी लाइफ जीते थे। इसके साथ ही समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भी वे बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। कांग्रेस से चुनावी सफर की शुरुआत करने वाले अजीत पवार गुट से जुड़कर NCP नेता बनने वाले बाबा सिद्दीकी पर शनिवार को 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में उनके बेटे जिशान बाल बाल बच गए थे। बाबा सिद्दीकी पर यह हमला उस समय हुआ था जबकि वे अपनी बेटी के साथ उनके बांद्रा के निर्मल नगर स्थित ऑफिस घर के बाहर निकले। गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब हमने आपको बाबा सिद्दीकी साहब और उनके बारे में तमाम जानकारियां दे दी, उनके नेटवर्थ कितने हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।